एक डिस्प्ले आप नया डाल दिए, क्या हुआ डिस्प्ले नया डाले, कस्टमर लेकर आया, डिस्प्ले डालने के बाद डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा, क्या आ रहा डिस्प्ले कम्प्लीटली ब्लैंक है। ऐसे डिस्प्ले ब्लैंक है तो क्या करना है, डिस्प्ले ब्लैंक है तो पहले अपन देखना है डिस्प्ले दूसरा डाल के देखते हैं, मीन्स और एक डिस्प्ले डालते हैं और एक नया डिस्प्ले डालते हैं और एक कंपनी का डालते हैं, मीन्स दो तीन डिस्प्ले डालने के बाद भी अगर उनको ब्लैंक डिस्प्ले दिखा रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकल काम क्या करता है बोले तो डिस्प्ले का कनेक्टर को देखते हैं, क्या देखते हैं अपन डिस्प्ले को कनेक्टर, डिस्प्ले ये सेक्शन को देखना है, मीन्स वो कनेक्टर फिजिकली कुछ भी डैमेज है क्या, फिजिकली मीन्स इफ एनी पिन कम्प्लीटली डैमेज, ओके दैट टाइम आल्सो डिस्प्ले नहीं आता, पहले फिजिकली कंडीशन देखो कि फिजिकली डैमेज चेंज द कनेक्टर, ओके इट्स अवेलेबल ऑन मार्केट आर टेक अनदर स्क्रैप बोर्ड, ओके అక్కడ వరకు మనం బాగలేదు. ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ స్టిల్ నో డిస్ప్లే దెన్ చెక్ ద నియరెస్ట్ ఈఎంఐ ఫిల్టర్ ఇస్కే బాద్ క్యా కర్నా పడతా హై హమారా పాస్ రెండు హై నా ఈ ఈఎంఐ ఫిల్టర్స్ హై నా ఇస్కో చెక్ కర్నా హై ఇస్మే పాంచ్ ఈఎంఐ ఫిల్టర్ దేతా హై ఇస్కే పాంచ్ ఈఎంఐ ఫిల్టర్ ఇస్లీ దియా బోల్ కే మే నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్లాస్ మే బతాయా థా ఫైవ్ ఈఎంఐ ఫిల్టర్స్ కా కామ్ క్యా హై క్యా కామ్ కర్తా హై ఓకే లాస్ట్ క్లాస్ మే చెప్పాం క్యా బతాయా థా రెడీ ईएमआई फिल्टर पांच क्या काम करता है किसको हिंदी मालूम उन्हें बोल सकते हैं सनी तौफीक पांच ईएमआई फिल्टर किस लिए दिया फिल्टर करने के लिए दिया फिल्टर करने के लिए उसका नाम क्या है आर बोलो आरजीबी आर जनरल एंड वर्टिकल लाइन्स ओके लास्ट क्लास तो हो गया आज का क्लास में अभी देखो एक डिस्प्ले कैसा काम करता है इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी देता हूँ एक डिस्प्ले अपन लगाते हैं ना इंसर्ट करते इंसर्ट करने के बाद अपन पावर ऑन बटन दबाते इंसर्ट करने के बाद क्या करते पावर ऑन बटन दबाते डिस्प्ले डालने के बाद डिस्प्ले ऐसा डाल दिए उसके बाद बैटरी कनेक्ट करके पावर बटन दबाते व्हेन पावर बटन विल बी प्रेसिंग पावर बटन कब प्रेस करते तब क्या होता है पावर बटन दबाने के बाद पीएमआईसी क्या करता है पावर को पहले डिस्प्ले को देता है क्या करता है डिस्प्ले से मीन्स ये डिस्प्ले डाल दिया ना ये डिस्प्ले है पहले पीएमआईसी क्या करता है डिस्प्ले को पावर देता है कितने पावर देता है 1.8 to 2.8 तक इसका पावर जाता है इसको बोलते हैं बीआरईजी एलडीओ लाइन बीआरईजी एलडीओ लाइन बोलते हैं फर्स्ट पावर जाता है पावर जाने के बाद ये डिस्प्ले है ना ये डिस्प्ले पहले ऑन होता है क्या होता है डिस्प्ले पहले ऑन होता डिस्प्ले ऑन हुआ तो डिस्प्ले ऑन हुआ तो वो सिग्नल आईडी से फिर जाता ये आईडी क्या करता है डिस्प्ले ऑन हो गया डिस्प्ले तो पावर आया बोल के आईडी क्या बोलता है जाके आपको डिस्प्ले कनेक्ट हुआ बोल के सीपीयू को बोलता सीपीयू को बोलने के बाद सीपीयू क्या करता है ग्राफिक सिग्नल्स को लेके वो ग्राफिक सिग्नल्स ये ग्राफिक सिग्नल पूरे एमआईपीएल ये पूरा लाइन्स को क्या करता है डिस्प्ले को भेजता डिस्प्ले को भेजने के बाद डिस्प्ले के अंदर हमारे को पिक्चर दिखाया जाता है वो पिक्चर ऐसे दिखाता है उसमें वीडियो प्ले करे एग्जाम्पल वीडियो प्ले करे तो एक पिक्चर के पीछे दूसरा पिक्चर आना पड़ता है ना ऐसा एक पिक्चर के पेज में दूसरा पिक्चर आना बोले तो पहले पिक्चर एरेज होना उसके बाद सेकंड पिक्चर आना ऐसा आने के लिए हमारा रीसेट सिग्नल उसके लिए काम करता है रीसेट क्या करता है बोले तो फर्स्ट कुछ भी पिक्चर आता है उसको फिर क्लियर करके सेकंड पिक्चर को देता ये पूरा काम सब सेकंड्स में होता रहता है ओके नैनो सेकंड्स में काम ये सबका डिस्प्ले का कंप्लीट जानकारी है देखो पहले क्या हुआ पहले डिस्प्ले कनेक्ट करे उसके बाद पहले पीएम क्या करा है वोल्टेज को भेजा वोल्टेज के भेजने के बाद हमारे को डिस्प्ले काम करना शुरू करा उसके बाद फिर काम कर रहा है ओके इसके बीच में और एक दो सिग्नल है उसके बोलते बीएसएन बीएसपी बीएसएन बीएसपी दिस बोथ सिग्नल बीएसएन बीएसपी एक बीएसएन माइनस सिग्नल एक बीएसएन प्लस सिग्नल यस्टरडे क्लास में बताया था आरजीबी याद है ना आरजीबी मीन्स रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी रेड के लिए एक रेड पॉजिटिव सिग्नल रेड के लिए एक रेड नेगेटिव सिग्नल दो सिग्नल रहता बोल के बोला ओके समझे ना अभी दो लाइन्स भी एक्टिवेट हुआ तो रेड लाइन आता पर नहीं तो नहीं आता इसके लिए क्या होता है दो वोल्टेजेस भेजता है एक बीएसएन माइनस सिग्नल एक बीएसएन प्लस सिग्नल बोथ आर ग्राफिक सिग्नल ये सेक्शन काम करने के लिए ये वोल्टेजेस जरूरत पड़ता है कौन सा सिग्नल ग्राफिक सेक्शन
ये ग्राफिक सेक्शन है ना, ये ग्राफिक सेक्शन काम करने के लिए बीएसएन वीएसपी, डिस्प्ले ऑन होने के लिए पीएम से, मीन्स बीएसएन वीएसपी आल्सो वोल्टेज एट द सेम टाइम पीएम आल्सो वोल्टेज, दो वोल्टेजेस रहता है, दो वोल्टेजेस आने के बाद हमारे को डिस्प्ले कम्प्लीटली ऑन होता है। ओके, ऐसा कम्प्लीट फोन डिस्प्ले चालू होता है। ये एलसीडी डिस्प्ले, इसमें एलईडी डिस्प्ले भी रहता है, उसका फंक्शन अलग है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में